कि पेट्रोल डाल दीजिए। पेट्रोल? हाँ। पेट्रोल से चलती है क्या? और का? कहाँ है? कौन सा वाला पे? उस वाले पे डाल दीजिए पेट्रोल। पैसा नहीं लेंगे? पैसा देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को अभी सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहा है। जस्ट मैंने अभी 20 मिनट पहले जगा था और सारा काम हो गया है हमारा, एडिट वगैरह। ठीक है, क्या था कि मैं रात को आज रात को मैं लगभग 2 बजे के समथिंग सोया हूँ, क्योंकि हमारा 3 दिन का डाटा बच चुका था, उसे एडिट करना। 3 ब्लॉग मैंने कल रात को एडिट किया, तो वो 12-1 बज गया। हम जाने की जल्दी सो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे 2 बज गया। तो 2 बजे सोया था और उठा 10:30 बजे, तो मुझे 11 बज गया। अभी मुँह हाथ धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। सामान वगैरह पहले पैक करूँगा, अपना सामान पैक करके यहाँ पर रख के फिर जाऊँगा नहाने के लिए, और नहा के यहाँ से खाना खा के फिर निकल जाऊँगा, है ना। सो गाइस, बिल्कुल अच्छे से नहा लिया मैं, और कपड़ा वगैरह उधर साइड में डाल देते हैं, थोड़ा सा सूख जाएगा, है ना, सूख जाएगा। फिर यहाँ से अभी चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, खाना वाना खा के फिर निकल आ जाएगा यहाँ से। सो फाइनली गाइस, हमारा खाना आ चुका है सुबह में, सुबह का 1 बजने वाले हैं, और ये चना मसाला, प्याज और रोटी आएगा अभी। रोटी भी हमारा आ गया, देखिए। सो गाइस, फाइनली हमारा सामान वगैरह हो चुका है पैक, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपनी जर्नी की तरफ। सामने ही रोड है, देख सकते हैं, और खाना वगैरह खा के हम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सो गाइस, अभी हम लोग हैं उदयपुर से, होंगे कम से कम 60 किलोमीटर समथिंग होंगे दूर पे। और ये भाई साहब मिले हैं जो कि अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने घर पर हमें बुलाया है। जब भी आप आए अहमदाबाद तो आप हमारे यहाँ आए। शुक्रिया भैया। और ये भैया भी विदाउट मनी में, इन्होंने हिचाकिंग करके ट्रेवल किया 2014 में आपने किया है, जिस समय पर कोई दौर नहीं था हिचाकिंग का, है ना, उस समय पर आपने किया है। काफी संघर्ष, इतना मोटिवेशन मिला नहीं अब आज के टाइम में इन सब चीजों के लिए मोटिवेशन है। उस टाइम इतना मीडिया नहीं था या इतना सर्वाइवल कॉस्ट नहीं, आज तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके सपोर्ट बहुत ज्यादा। और प्लस उस समय पर कोई हिचाकिंग करके बहुत कम लोग करते थे, जो कि आपने किया शुरुआत। सो गाइस, अभी हम लोग ये अहमदाबाद वाले रोड पे NH 48 पे, और ये सर जी हैं जिन्होंने हमें आगे आके रुके थे कुछ दे रहे हैं खाने के लिए। शुक्रिया सर, कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, आराम से करना टूर, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं रास्ते में जो कि आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने हमें टॉफ़ी वगैरह, संतरा, गाजर कुछ दे रखा है, और ज़्यादा दे रहे थे लेकिन हमने उनको मने कर दिया, ठीक है। और एक और भैया मिले थे जो कि गुजरात के रहने वाले थे, वो भी हमको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। बस और मैं बता दूँ कि अब तक जो मैं चल रहा हूँ 1.5 साल से, ये बस केवल आप लोगों के वजह से ही मैं चल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चल पाता बिल्कुल, बता रहा हूँ। मतलब जो जीरो बैलेंस में मैं घूम रहा हूँ ना, विदाउट मनी में, ये मैं नहीं घूम पाता जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट करते। उसके लिए आप लोगों का सैल्यूट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, शुक्रिया, थैंक यू। ये भैया लोग हैं दोनों लोग, जिनके आके इनसे पूछा, बात किया कि हमें आज रुकना है। भैया ने बोल दिया कि आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर साइड में चारपाई भी था, हालांकि मैं अपना टेंट लगाऊंगा उधर साइड में। ये ऊपर से करकट है, करकट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इधर आप लोग? इसको हम कहते हैं दीवार। दीवार, अच्छे, तो वो लगा हुआ है भैया, समझ जाइए। इधर राजस्थान के लोकल भाषा में ये बोला जाता है ना भैया। आप चलते हैं, हम अपना टेंट वगैरह लगाते हैं सोने के लिए। अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए टेंट लगा रहा हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं, देख सकते हैं 5:10 आई थिंक। हमारा गाजीपुर में ना अभी ना 2 दिन से गाजीपुर में अभी धूप नहीं निकला है, बोल रही है हमारी मम्मी कि बहुत तेज ठंड पड़ रहा है। अभी यहाँ पर भी ठंड पड़ता है ऐसा नहीं है, अभी यहाँ का टेम्परेचर बताते हैं तो अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ का टेम्परेचर 22 है, ठीक है। तो 22 भी है, रात होते होते बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रात को तो ठंड लगती है बट डे में नहीं ठंड लगता, क्योंकि इधर साइड में ना देखे पहाड़ वगैरह चारों तरफ से, तो ये वाली सीन है पहाड़ पे, आपको पता ही है कि बहुत ही ठंड पड़ता है। बाकी अभी नॉर्मल है, क्योंकि मैं साइकिलिंग करता हूँ तो काफ़ी भीग जाता है मोरा टी शर्ट वगैरह, तो मैं इसीलिए टी शर्ट पर ही साइकिल चलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी चलता हूँ, सामान खोलता हूँ, टेंट लगाता हूँ, और बस वीडियो एडिट करता हूँ। मेरा काम बस यही है, वीडियो एडिट करना। टेंट लग के इसमें रेडी हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और देख सकते हैं कुछ ऐसा, इसमें बैग वगैरह डाल दिया हूँ, साइकिल उधर साइड में खड़ा कर दिया,
जूता निकाल कर बैग में डाल दिया। अब सारा कुछ पैकिंग करूँगा और ऐसा पैकिंग करता हूँ कि रात को सो जाऊँ, सुबह में निकालूँ, पहनूँ, चला जाऊँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद दोस्तों आप सभी को। और देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है, सुबह सुबह उठने के बाद मैं रात को तो सो गया जल्दी और कुछ ऐसा हालत कर दिया अपना घर का। सामने कुछ सामान रखा हूँ और सामने ही हमारी साइकिल है जिससे मैं पूरा इंडिया का यात्रा कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को तो वायरल कम से कम करा दीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। अभी जा रहा हूँ, सामान वगैरह पैक कर रहा हूँ और पैकिंग करके यहाँ से निकलूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ पे हूँ। ठीक है, कल आया था आई थिंक, यहाँ पे आ गए थे 5 बजे और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी समय हो रहे हैं 11:41 और बस ऐसे रास्ते में रुक के मैं सोचा क्यों ना कुछ खा लेते हैं, नमकीन वगैरह। और ये देख रहे हैं ना, इसी का तो शान है, गर्व महसूस होता है ना कि पीछे अपना लगाया हुआ झंडा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार बहुत अच्छा चीज़ का है। और मैं ऐसे रास्ते चलते चलते ही अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो समय होता है ना, बहुत समय का कीमत है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर कोशिश करता हूँ रास्ते में ही सारा कुछ मैनेज कर लूँ। अभी मैं GoPro के इस पे लगा के इससे कनेक्ट करा के एडिट वगैरह सब कुछ करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कि पेट्रोल डाल दीजिए। पेट्रोल? हाँ, पेट्रोल से और का है? कौन सा वाला पे? उस वाले पे डाल दीजिए पेट्रोल। पैसा नहीं लेंगे? पैसा देना पड़ेगा। पानी वहाँ पे है ना, हमको पेट्रोल लेना है। सो गाइस अभी आए हम लोग पानी लेने के लिए यहाँ पे। भैया से बोले पेट्रोल चाहिए, हम पुलों के ताकने की कहाँ से पेट्रोल इसे चाहिए, बोले बाप रे। अभी हम लोग हैं राजस्थान में और अब हम लोग पहुँचेंगे बहुत ही जल्दी गुजरात में। अभी हम लोग आ चुके हैं गुजरात में। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा गांव नूरपुर का रहने वाला हूँ। बता दूँ कि आज मैं अपने भारत के पिछवा राज्य में घूमने आ गया हूँ। अभी मैं हूँ गुजरात में और इस समय पे ही मैं आपने देखा जस्ट कुछ समय पहले ही मैंने रतनपुर बॉर्डर क्रॉस किया। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कि आज मैं एक छोटे से गांव के होके मैं आज विदाउट मनी, बिना पैसों का, और ये साइकिल से विश्व राज्य में घूम लिया। और आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये सब केवल आप लोगों के वजह से हो पा रहा है, जो लोग आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं उसके वजह से हो पाता है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हम पे कृपा अपना बरसाते रहें और हमारा वीडियो को पूरा फुल वॉच करके हमें वायरल करा दीजिए यार, मज़ा आ जाए। जय हिंद दोस्तों। ऐसा है कि भैया हो चुकी है रात और रात हो जाने के कारण अब मैं लगा दिया हूँ साइकिल को यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं साइकिल को यहाँ पे लगाया हूँ और ये गाड़ी है इसे साइड में लगा दिया। हालांकि यहाँ पे कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अभी चलते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं भैया, है ना। सामान वगैरह उधर रखा हूँ, सामान देखिए सामान उधर रखा हूँ और अभी चलता हूँ हम भी खाना खाने के लिए, है ना। खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है, वीडियो वगैरह एडिट करके फिर थोड़ा सा सो जाना है ना। इधर साइड में सामान रख के उधर बैग है, आज रात को मैं इसी पर सोऊंगा। सो फाइनली गाइस अभी जैसे ऐसा भी खाना वाना खा के सब कंप्लीट हो चुका है और इधर साइड में हमारा बेड लग चुका है सोने के लिए। ये होटल वाले भाई साहब ने दे दिया थोड़ा सा चद्दर जा, जो कि ये बिछाने के लिए, और बाकी हम स्लीपिंग बैग अपना लगा के और अभी जा रहे हैं सोने के लिए। ठीक है, जा रहे हैं हम सोने के लिए। ये वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।